Dream big, start small, start now. Now, today is 3rd of March 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions ke answers hain. All India Trade Union Congress 1920 mein first session ko preside kiya tha Shri Lala Lajpat Rai ji ne. First metal to be used by men tha copper, chalcolithic. इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था सर जॉन मार्शल ASI हेड थे आप बोस्ट्रोफेडोन ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट थी ये ऐसे चलती है लेफ्ट टू राइट देन राइट टू राइट राइट टू लेफ्ट लाइक दिस सो दिस इज बोस्ट्रोफेडोन द साइट ऑफ हरप्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस आज के सवाल हैं डुबरी पोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट किस राज्य में डुबरी पोर्ट लोकेटेड है इन विच इंडियन स्टेट इज द पंपादम शोला नेशनल पार्क सिचुएटेड हल्दीघाटी इज अ माउंटेन पास लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑन महाराष्ट्र प्लेटू इन इंडिया विच कोस्ट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मूनसून So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है dereliction. इसका मतलब होता है कर्तव्य का त्याग. The state of having been abandoned and become dilapidated. Dilapidation. So जो next है वो है sacrosanct. Sacrosanct का मतलब होता है एक principle है, place है, routine है that is regarded as too important or valuable to be interfered with. तो वो पुण्यमय है वो जगह पुण्यमय है नेक्स्ट वर्ड है स्टॉन्च स्टॉन्च का मतलब होता है निष्ठावान लॉयल एंड कमिटेड इन एटीट्यूड स्टालवर्ट लॉयल फेथफुल मोरोस का मतलब होता है उदासी सलन एंड इल टेम्पर्ड फ्लाउंडरिंग द नॉर्म्स मतलब लड़खड़ाना स्ट्रगल और स्टैगर हेल्पलेसली और क्लम्सली इन वॉटर और मड सो दिस इज फ्लाउंडरिंग So, ये vocabulary words हैं आज के लिए. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Language proficiency बहुत जरूरी है. ये आपको preliminary, main, interview, हर format of examination में ये बहुत useful रहेगी. आज है 3rd of March 2022. ये दो सवाल के आज हम answer writing session करेंगे. So, this is the Hindu. This is 3rd of March 2022. आज हम पढ़ेंगे इंडियंस टोल्ड टू रश फ्रॉम वॉर हिट यूक्रेन वी विल टॉक अबाउट वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन अब मेंशन करना मैंडेटरी होगा दिस इज मेके डाटू ये है क्लीनिंग ड्राइव स्कूल्स इन कश्मीर वियर अ फेस्टिव लुक स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं लाइंस एंड रोल्स एडिटोरियल है दिस इज अबाउट गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर GDP के नंबर्स हैं दिस इज अबाउट पीस क्यों इतना ज़रूरी है negation of the individual or collective moral decay then we will talk about libyan imbroglio alarming rise of food shares then this is considering safe passage russian envoy ukraine pe update hai next wave of covid-19 5g auction this is important technology science and technology ukraine china biden ukraine issue aur business pe iska impact टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आज जो आर्टिकल है वो है IPCC रिपोर्ट का कॉन्टिन्यूएशन रशियन इन्वेजन और चिप क्राइसिस डॉक्टर्स फॉर रूरल इंडिया दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल एंड रूट्स ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minutes अवर रेफरेंस मटेरियल इज द हिंदू ओनली फॉर टूडे सो जो फर्स्ट न्यूज है वो है वॉर हिट यूक्रेन से इंडियंस टोल्ड टू रश इन कॉल विद पुतिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला सेफ इवैक्यूएशन जरूरी है इंडियंस का एग्जिट रूट फ्रॉम सुमी बींग वर्कड आउट सो यहाँ क्राइसिस वर्जन हो रहा है यूक्रेन क्राइसिस हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि यहाँ जितने भी इंडियंस हैं उनको हम सेफली इवैक्यूएट करें सो हम इस पर्पज के लिए रन कर रहे हैं ऑपरेशन गंगा इंडिया हैज़ बिन कंडक्टिंग ऑपरेशन गंगा टू इवैक्यूएट इट्स नेशनल्स जो स्टक हैं यूक्रेन में सिंस रशियन कैंपेन तो ये यूक्रेन के शहर है यहाँ से इवैक्यूएट करने की कोशिश हो रही है ऑपरेशन गंगा के थ्रू सो दिस इज द सिचुएशन ओवर हियर
Meanwhile, United Nations General Assembly asks Russia to pull back troops. पीस का यहाँ पे अपील किया जा रहा है. Meanwhile, India abstains from voting on resolution. तो UNSC का जो resolution है 1415 absentee थे और उसमें इंडिया का भी नाम था. तो इंडिया के भी अपने खुद के compulsions हैं. So that is why India यहाँ पे abstain रहा. इंडिया pragmatic approach अपना रहा है यूक्रेन issue में. So this is the thing. ये चीज़ और develop हो रही है, इसको अपन फिर revisit करेंगे. So this is the Hindu front page. Then इसके बाद जो next है ये news important है. This is about veg and non-veg. हमारा fundamental right है. Fundamental right में right to know भी होता है. High court ने बताया Food Safety and Standards Authority of India को कि एक fresh communication issue किया जाए सारी authorities को. फूड पैकेजिंग जो होती है उसमें सारे इंग्रेडिएंट मेंशन होना चाहिए और वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है इस चीज़ का मेंशन करना भी ज़रूरी है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट में. सो दैट कंज्यूमर्स को ये राइट है जानने का कि इस फूड में क्या मटेरियल पैक्ड है. अब ये जो बॉडी है ना FSSAI, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है. इससे कई बार सवाल आए हैं. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सो व्हाट इज दिस बॉडी? FSSAI एक स्टैचुरी बॉडी है. स्टैचुरी बॉडी का मतलब बताइए, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज होती है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो दिस इज स्टैचुरी बॉडी. स्टैचुरी बॉडी का मतलब क्या है? जो नीति आयोग है ये किस टाइप की बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या नीति आयोग? विच टाइप ऑफ बॉडी? ये है FSSAI. सो FSSAI है स्टैचुरी बॉडी. ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये एस्टैब्लिश हुई थी अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006. सो एक्ट के थ्रू ये एस्टैब्लिश हुई थी स्टैचुरी बॉडी. तो ये जो काम है बॉडी का वो ये है कि फूड सेफ्टी और रेगुलेशन को कंट्रोल करना, उसको बनाए रखना. तो दिस इज FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. अब फूड सेफ्टी के क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं? सी, जब से COVID-19 आया है तब से हम हेल्थ एंड हाइजीन पे काफ़ी फोकस करने लग गए. तो फूड सेफ्टी में से उसमें टेम्परेचर क्या मेंटेन है, इंस्पेक्शन है या नहीं है, हाइजीन मेंटेन है या नहीं है, इंडस्ट्री, केमिकल्स, एक्सपायरी डेट, सैनिटाइज किया है, वाटर रिस्क, प्रिपरेशन, हैजार्ड सेफ, दिस इलनेस तो नहीं हो रहा है, हेल्थ फ्रीज, कुकिंग सर्टिफिकेशन, ये वेरियस पिलर्स है, वेरियस कीवर्ड्स है जो फूड सिक्योरिटी को यहाँ पे सस्टेन करते हैं. कि एक्चुअली क्या है, आजकल जो टाइम हो रहा है वो केमिकल्स जो होते हैं फूड में इसको कम करने की भी बात हो रही है. सो फूड जो है, फूड को हेल्दी फूड बनाना हमारा प्रायोरिटी में हो रहा है. सो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखकर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है. दिस इज़ अ स्टैचुरी बॉडी. तो FSSAI ने कम्युनिकेट किया कि फूड आर्टिकल वेज है या नॉन वेज, ये क्लियर डिस्क्लोजर करना ज़रूरी है. और ये क्या होगा? ये होगा फंडामेंटल राइट सारे पर्संस का इम्पैक्टेड बाय व्हाट इज़ ऑफर्ड ऑन द प्लेटर. मतलब खाने की थाली में क्या दिया हुआ है, ये आपका फंडामेंटल राइट है जानने का. सो दिस इज़ फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. अब जो नेक्स्ट है वो है मेकेडाटू डैम जो साउथ है हमारा, पेनिनसुलर रिवर्स. आज हमने जो GS का रिवीजन नंबर 3 था, आज हमने ये सारे टॉपिक्स देखे थे, बुद्धिज़्म और रिवर्स. रिवर्स में हमने एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बस एक कर्सरी ग्लैंस देखा था रिवर्स का. इसके लिए ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट. इसका भी मैंने PDF शेयर किया है, इसका वीडियो भी अपलोडेड है. इसको बिंज वॉच करके एक ही क्लास में सिटिंग में कंप्लीट करिए. ये करते ही आपका एक श्योर शॉट क्वेश्चन रेडी हो जाएगा प्रिलिमिनरी एग्जाम में. हर साल ड्रेनेज से एक क्वेश्चन आता है और वो इस चैप्टर से बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है. ओके, सो दिस इज वाटर डिवाइड. और ये जो साउथ है यहाँ पे ये पेनिनसुलर रिवर है. अब पेनिनसुलर रिवर के साथ क्या होता है, जैसे अगर अपन हिमालयन रिवर देखें तो हिमालयन रिवर में रिलेटिवली ज़्यादा पानी रहता है और ईयर लॉन्ग वाटर रहता है बिकॉज ग्लेशियर्स ऊपर हिमालय में मेल्ट हो रहे हैं. बट जो पेनिनसुलर रिवर है यहाँ पर एट टाइम्स वाटर का शॉर्टेज होता है. अब वाटर का यूजेज तो बढ़ेगा, जैसे बेंगलुरु है, बेंगलुरु में पॉपुलेशन भी बढ़ रही है. तो इसके कारण वाटर शेयरिंग कर्नाटका और
कर्नाटका और दिस तमिलनाडु के बीच में ऐसे चैलेंजेस आते हैं. सो दिस इज देयर. ओके, देन दिस इज मेडिकल स्टूडेंट. क्लीनिंग ड्राइव, ये है इम्प्रूविंग सैनिटेशन इनिशिएटिव है सिटी में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का. सेकेंडरी कलेक्शन एंड ट्रांसफर पॉइंट्स है. ये जो टॉपिक है ये स्वच्छता से लिंक करना है. अर्बन सिटीज़ जो है हमारी, अर्बन सिटीज़ एंड अर्बन प्लानिंग, मेट्रोपॉलिटन टीयर थ्री, तो इस चीज़ से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. क्लीनिंग ड्राइव, स्वच्छता मिशन. एक्चुअली जैसे स्वच्छता है, हम कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लाते हैं तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में ना दो चीज़ होनी चाहिए. एक तो उसकी पॉलिसीज़ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, रूल्स जो होते हैं वो ईजी होने चाहिए, बिकॉज ईजी रूल्स समझ में आते हैं और इम्प्लीमेंट होते हैं. एट द सेम टाइम इस चीज़ में सिटीजन पार्टनरशिप होना बहुत ज़रूरी है, सिटीजन का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है. तो कभी भी कोई स्कीम बनाना है, केस स्टडी देना है, स्वच्छ भारत मिशन क्यों सक्सेस हुआ, क्योंकि एक तो रूल्स ऑपरेशंस इसके इजी बनाए, दूसरा लोगों में एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ले आए. हमने रैंकिंग चालू कर दिया कि से इंदौर फर्स्ट सिटी हो गया, रैंक वन में हो गया. तो ये जब रैंकिंग होती है तो कॉम्पिटिटिवनेस आती है, और कॉम्पिटिटिवनेस आती है तो जो सिटीज़ होती है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वहाँ के सिटीजन्स भी. तो दिस वर्क्स. सो दैट इज़ वाई जो सिटीज़ है हमारी वहाँ पे स्वच्छता मिशन है. तो जब भी इस टाइप के स्कीम्स हैं, केस स्टडी देना है, तो उसमें एक एंगल हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो होना चाहिए सिटीजन का पार्टिसिपेशन. हम अक्सर नियम कानून पे ही फोकस करते रह जाते हैं, बट जो सिटीजन पार्टनरशिप, सिटीजन पार्टिसिपेशन है, इसको इग्नोर करते हैं. ये नहीं होना चाहिए. एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना ज़रूरी है. Schools in Kashmir wear a festive look. Now this is good. Education institutes open हो रहे हैं. This is so nice. बडगाम में, कश्मीर में बच्चे वापस स्कूल जा रहे हैं. This is important because online education के अपने limitations हैं. School, colleges में जो peer learning होती है, atmosphere होता है, वो atmosphere घर पे या फिर digital education के through provide करना difficult है. So offline classes are good. Lines and roles. The time may have come for clarifying the role and functions of governor. ये जो article है पिछले एक डेढ़ साल से continuously news में रहा है. Actually tussle होने लग जाता है governor की post का versus chief minister का. Governor जो होता है वो center ऐसे appoint किया है central government ने, और जो chief minister है उसको राज्य की जनता ने चुनाव जिता के भेजा है. तो ये दोनों बहुत important post है. इनके बीच में अगर फ्रिक्शन होता है तो नॉट गुड फॉर दिस डे टू डे वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, करेक्ट नहीं है ऑफ स्टेट. सो दैट इज़ वाई राजभवन जहाँ गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर ऑफिस, दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन गलत है. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अभी पिछले कुछ टाइम पे देखने को मिला है. द आइडिया इज़, इससे पॉलिटिकल पार्ट हटा दें, आइडिया इज़ जो पोस्ट ऑफ गवर्नर है हमें इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. दैट इज़ वाई थोड़े दिन पहले हमने गवर्नर पोस्ट पे एक आंसर राइटिंग भी किया था. आज हम जो आंसर राइटिंग करेंगे वो करेंगे पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर पे. सी, जैसे कोई भी राज्य है तो जो गवर्नर होता है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, डी जूर एग्जीक्यूटिव होता है, और जो चीफ मिनिस्टर होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव. तो जो गवर्नर है वो डी जूर होता है और चीफ मिनिस्टर होता है डी फैक्टो. तो इस तरीके से एक पार्टनरशिप की तरह राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन रन होता है, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर दोनों. तो इसमें जैसे आज जो आंसर राइटिंग है हमारा, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें एक नोट तैयार करना है चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे. वी नीड टू प्रिपेयर अ नोट ऑन द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर, इसकी पावर्स एंड फंक्शंस. तो अब इसको कैसे आप देखोगे, जैसे ये लक्ष्मीकांत की बुक है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर कैसे होता है, चुनाव जीत के चीफ मिनिस्टर पहुंचता है, उसका ओथ टर्म एंड सैलरी क्या होता है, कौन सी ओथ चीफ मिनिस्टर ले रहा है, पावर्स एंड फंक्शंस. अब पावर्स एंड फंक्शंस को भी कैटेगराइज करें. तो देखो जैसे बुक में लिखा है ना, हेडिंग सब हेडिंग, सेम चीज़ हमें आंसर राइटिंग में फॉलो करना चाहिए. इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इससे क्या होता है, आंसर स्ट्रक्चर्ड नज़र आता है. तो कॉम के रेस्पेक्ट में चीफ मिनिस्टर की ये सारी पावर्स हैं, गवर्नर के रेस्पेक्ट में चीफ मिनिस्टर की ये सारी पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर में ये हैं, दूसरे पावर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं, रिलेशनशिप विद द गवर्नर. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, इससे 100% एक MCQ आएगा गवर्नर से, क्योंकि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन का, पॉलिटी का बहुत अभी टॉपिक इन डिबेट रहा है. आर्टिकल 163 क्या होता है, 164 क्या होता है. जैसे 163 है कॉम,
164 में ऐसे डिटेल्स दिए हैं। फिर 167 में चीफ मिनिस्टर का ड्यूटी है कि वो गवर्नर को कम्युनिकेट करे, सारे डिसीजंस इन्फॉर्म रखे, लूप में रखे किसी भी काम का जो हो रहा है। तो ये आर्टिकल है 163, 164, 166 एंड 167। 163 होता है कॉम होगी टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर, 164 होगा प्रोविजंस एज अ मिनिस्टर एज टू मिनिस्टर्स, 166 है कंडक्ट ऑफ बिजनेस, 167 है कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में कैसे एक इक्वेशन एस्टेब्लिश होगी। तो 163, 164, 167 ये बता रहा है चीफ मिनिस्टर एट अ ग्लांस। फिर बाकी 177 में राइट ऑफ मिनिस्टर्स एज रेस्पेक्ट द हाउसेस भी है। तो हमें क्या करना है, हमें इस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ना है और पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर पे एक शॉर्ट नोट तैयार करना है। तो सी, हम हमारा तरीका ये है कि अपन ऐसा कर रहे हैं कि आंसर राइटिंग भी हो जाए, एट द सेम टाइम आपकी प्रिलिमिनरी एग्जाम की प्रिपरेशन भी इम्पैक्ट नहीं हो। सो वी आर ट्राइंग टू डू आंसर राइटिंग इन सच अ वे कि सिलेबस का भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट कवर हो जाए और आंसर राइटिंग भी हो जाए। ओके, आंसर्स बिकॉज लिखना ज़रूरी है। ओके, अब यहाँ पे अब बात आती है जो फ्रिक्शन होता है, बिकॉज यू नो गवर्नर जो होता है एट टाइम्स वो सेंटर गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे वर्क करता है और फिर क्लैशेज हो जाता है गवर्नर का और चीफ मिनिस्टर ऑफिस का। पिछले कुछ टाइम पे हमने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ देखी है। तो हमेशा ये बात होती है कि इसमें सॉल्यूशन क्या हो। सॉल्यूशन होने के लिए जैसे आइडियल केस में तो जो गवर्नर है वो लाइक एक रिप्रेजेंटेटिव है सेंटर का। गवर्नर का एट टाइम्स काम भी होता है कि एक डायरेक्शन एटसेट्रा प्रोवाइड करे स्टेट गवर्नमेंट को भी। अब इसमें क्या होता है, एक तरफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और उस केस में जब सेंटर में अलग गवर्नमेंट है और स्टेट में अलग गवर्नमेंट है तो दोनों में डिफरेंट पार्टी की गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे होते हैं क्लैशेस। इसीलिए आई थी पुंछी कमीशन, इसीलिए आया था सरकारिया कमीशन। तो सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, ये दोनों क्या है, ये दोनों है गवर्नर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इनसे रिलेटेड है सेंटर और स्टेट के रिलेशंस। तो सरकारिया कमीशन ने भी बोला था कि जो गवर्नर है इसको विम्स पे नहीं अपॉइंट करना चाहिए, एक स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर भी देना चाहिए। वरना अक्सर क्या होता है, एक सेंट्रल में एक गवर्नमेंट से बी गवर्नमेंट आई तो जो गवर्नर है उनको भी रिप्लेस कर दिया जाता है, बिकॉज गवर्नर का सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। तो इस चीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए सरकारिया कमीशन ने रिपोर्ट दिया था, सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन, कि हमें गवर्नर की जो पोस्ट है उसको इन सिंक करना चाहिए ताकि फ्रिक्शन भी नहीं हो चीफ मिनिस्टर के साथ। प्लस गवर्नर के पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जैसे किसी राज्य के गवर्नर है तो उनको चांसलर भी बना दिया जाता है यूनिवर्सिटीज़, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बर्डन हो गया, तो जो गवर्नरशिप का ड्यूटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो पुंछी कमीशन ने बोला इस प्रैक्टिस को भी एंड करना ज़रूरी है। तो ये सब बातें हैं, इसमें हमें पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं जाना है, इसका जो पॉलिटी बिहाइंड है उसको समझना है, लाइंस एंड रूल्स। अब जो नेक्स्ट है वो है लूजिंग स्टीम। लेटेस्ट जीडीपी नंबर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं फॉल्टरिंग रिकवरी। सी, इकोनॉमी में पिछले 2 साल में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता है, इतनी सारी अनसर्टेनिटीज़ है। COVID-19 हमने फर्स्ट वेव बाद देखा, लगा इकोनॉमी रिकवरी हो रही है, और उसके बाद सेकेंड वेव आई डेल्टा वेरियंट की, इकोनॉमी बैक टू ज़ीरो। फिर चीज़ें थोड़ा बेटर हो रही थी, फिर से ओमिक्रॉन का वेव आ गया, इससे ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ होपफुली, वी वर अगेन ट्राइंग टू लाइक रिकवर, और फिर ये यूक्रेन क्राइसिस हो गया। सो द पॉइंट इज, आज की डेट में बहुत सारे प्रेडिक्शंस, जैसे ये यूक्रेन क्राइसिस भी अगर वर्जन हुआ तो इकोनॉमिक सर्वे इस बार का है ना वो फिर से जंक हो जाएगा, उसकी जो जितनी भी प्रेडिक्शंस एटसेट्रा सब ज़ीरो। सो दैट इज़ वाई इधर इतना टाइम वेस्ट नहीं करें, हम इकोनॉमिक्स में केवल कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें, थीम्स पे ध्यान दें, जो लॉजिक है, जो बेसिक कोर इकोनॉमिक्स है कैसे चलती है, वोकैबुलरी है, एलिमेंट्स हैं, इन पे ज़्यादा ध्यान दें हम, ये बहुत रिवॉर्डिंग रहेगा। तो ये यूक्रेन क्राइसिस है, अब यहाँ वॉर हो रहा है, वॉर किस डायरेक्शन में जाएगा नोबडी नोज, लेट अस सी, और इस पे फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी का। जीवीए जो होता है ये सेक्टर स्पेसिफिक अगर गेज करना है इकोनॉमी को तो हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन को देखते हैं। तो द आइडिया इज, ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दिए, मैन्युफैक्चरिंग में क्या हुआ, फेस्टिवल बूम था, फर्म्स वापस रीओपन हो रही है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में क्या है, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, सर्विसेज, कम्युनिकेशन रिकवर हो रहा है, बट अभी टाइम लगेगा प्री पैंडमिक लेवल आने में। प्लस अभी यूक्रेन क्राइसिस क्या होगा नोबडी नो, प्राइवेट कंजम्पशन अभी भी इतना नहीं आ रहा है बिकॉज इंडिया प्राइवेट कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का थ्रेट था बट अब यूक्रेन क्राइसिस हो गया,
यूक्रेन क्राइसिस होगा तो क्या होगा, फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा, फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा। तो द पॉइंट इज एनर्जी सिक्योरिटी का हम सोचें, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग बढ़ाए, गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करे, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ग्रोथ एंड डिमांड आएगी। मल्टी लेयर्ड अनसर्टेनिटी है अभी, तो द पॉइंट इज एक्शन रिएक्शन जो है इसमें किसी भी टाइप का स्लैक नहीं होना चाहिए। ओके, तो सी, शक्तिकांता दास साहब को अभी सब इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे, बट ही वॉज राइट, इन्होंने कहा था अभी इकोनॉमी इज स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड्स, सो दैट इज वाई आरबीआई को अभी अकोमोडेटिव रहना पड़ेगा, इवन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने भी यही कहा। ओके, एन एपेटाइट फॉर वॉर बट नो प्लेस फॉर पीस, ये जो आर्टिकल है ना इसमें प्राइमरली ये कहा है कि जो फॉग ऑफ वॉर होता है, वॉर के टाइम पे वी आर ड्रिवन बाय लाइक एंगर एस्पायरेशन एंड ऑल, और इससे जो लॉसेस होते हैं वो कैटास्ट्रॉफिक होते हैं, जो ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है वो सीवियर होता है। सो द पॉइंट इज वॉर में इफ़ यू आर अ विनर और यू आर लूजर, सभी का यहाँ पे हार होती है। तो दैट इज़ वाई जिसने कभी एक्चुअली वॉर देखा है, क्लोजली फाइट किया है, जो जानता है वॉर का नेचर, वो कभी वॉर की बात नहीं करते। दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न कि यूरोप इतना ज़्यादा अलार्म्ड है, यूएस एग्रेसिव है बट यूरोप अलार्म्ड है। यूरोप पूरी कोशिश कर रहा है कि वॉर नहीं हो, बिकॉज यूरोप ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा है, तो यूरोप इज़ अलार्म्ड। सो लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर अपन देखें ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है बुद्धिज्म, जो इस आर्टिकल में भी रेफरेंस में दिया है कि जो सम्राट अशोक थे, कलिंग वॉर हुआ, कलिंग वॉर के बाद बुद्धिज्म को उन्होंने अपनाया, नॉन वायलेंस और बुद्धा की जो प्रैक्टिसेस थी उसको फॉलो किया। तो यही चीज़ आज हमने रिविज़न क्लास में भी ट्राई किया था कवर करने का। सी, रिविज़न क्लास में इतनी स्पीड से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि फिर हम इतना रेंज कवर नहीं कर पाएंगे करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों का, तो दैट इज़ वाई स्पीड हमें रखनी पड़ेगी। अब इससे और बेटर बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है हमें, तो ये जैसे पीडीएफ आज मैंने जल्दी शेयर कर दिया था, आई विल डू दिस, आप इसको साइमल्टेनियसली थोड़ा टाइम देके एक बार पढ़ लो अच्छे से। रोज़ पढ़ोगे विद इन 7 to 10 days, देखना आपकी स्पीड में बहुत एफिशिएंसी आ जाएगी और सारी चीज़ें कंसोलिडेटेड भी होगी, बट यू विल हैव टू पुट सम एफर्ट्स। ओके, तो जैसे आज हमने ये देखा, गौतम बुद्धा से रिलेटेड सारे पॉइंट्स देखे, फोर नोबल ट्रूथ, दिस इज एट फोल्ड पाथ, ये बड़ा बेसिक सा था क्योंकि नेक्स्ट स्टेज में जाने से पहले बेसिक कवर करना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट स्टेज में हायर फॉर्म्स ऑफ दिस बुद्धिज्म टीचिंग्स वगैरह हम करेंगे। हम एक और काम कर लेते हैं जिससे हमारा आंसर राइटिंग भी हो जाएगा और ये पार्ट कंसोलिडेट भी हो जाएगा, और वो है ये क्वेश्चन, प्रिपेयर अ नोट ऑन द लाइफ ऑफ बुद्धा, इसको आप लिखो, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्धास टीचिंग्स। अब इसमें अपन को करंट अफेयर का लेयर लगाना है कि जो टीचिंग्स हैं वो आज के टाइम पर, मॉडर्न टाइम पर, जो बुद्धा ने बोला था पीस होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, इन चीज़ों का इतना वैल्यू क्यों है। ओके, सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द लाइफ ऑफ बुद्धा, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्धास टीचिंग्स लाइक पीस एंड कंपैशन इन द मॉडर्न टाइम। इसमें आप थोड़ा एथिक्स के एंगल डाल सकते हो, आईआर के एंगल डाल सकते हो, थिंक, शो योर क्रिएटिविटी। जितना प्रैक्टिस करते हैं ना उतना ही हमारी क्रिएटिविटी, स्टाइल, राइटिंग, प्रेजेंटेशन सब इम्प्रूव होता है। सो दैट इज़ वाई डू दिस, एक हैबिट जो बनी हुई है उसको कंटिन्यू करिए। ऑलराइट, सबको एक आंसर तो लिखना ही चाहिए एटलीस्ट। ओके, दिस इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी जब आप मेन एग्जाम लिखने जाओगे, यू विल सी, यू विल रियलाइज़ कि इसने कितना ज़्यादा एक्चुअली में आपको बेनिफिट किया है इस एक्सरसाइज ने। ओके, सो डू दिस। तो ये बुद्धा ने जो बोला है इसको हमें फॉलो करना है। बी काइंड वेन एवर पॉसिबल, इट इज ऑलवेज पॉसिबल, सो दिस इज एन एपेटाइट फॉर वॉर, नो प्लेस फॉर पीस। ये है अ नेगेशन ऑफ द इंडिविजुअल एंड अ कलेक्टिव मोरल डिके। यहाँ बेसिकली बात है कि डेथ पेनल्टी है, डेथ पेनल्टी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक एंगल ये होता है, जैसे हम सजा देते हैं कभी भी, अगर हम पनिशमेंट देते हैं तो पनिशमेंट कभी भी रिवेंज के लिए नहीं दिया जाता है। ओके, पनिशमेंट जब भी दिया जाता है तो उसका एक एस्पेक्ट ये होता है कि हम वहाँ पे लाइक रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, रिफॉर्म्स कि जिसने क्राइम किया, क्रिमिनल किया, उसको सुधार करना चाहते हैं, इसीलिए हिंदी में इसको सुधार गृह भी बोलते हैं, जेल को सुधार गृह, तो रिफॉर्म्स वहाँ पे लाना चाहते हैं। दूसरा एक एंगल होता है कि ये एक लाइक बैरियर की तरह काम करे, एक डर की तरह काम करे कि अगर आपने ये क्राइम किया तो आपको इतना सीवियर पनिशमेंट मिलेगा, तो लाइक एक वार्निंग की तरह काम करे, तो क्रिमिनल्स इसकी तरफ मूव नहीं करे। ये एक पर्पज़ होता है पनिशमेंट का। तीसरा पर्पज़ होता है जस्टिस,
जस्टिस, कि अगर कोई क्राइम किया है तो उस केस में जस्टिस दिलाना ज़रूरी है। तो पनिशमेंट तीन चीज़ों पे दिया जाता है, रिफॉर्म्स, एक बैरियर हिंड्रेंस हो, और दूसरा मतलब वो क्राइम के लिए एनकरेज नहीं हो, लोग डिस्करेज हो। देन थर्ड जो होता है वो है जस्टिस, पनिशमेंट कभी भी रिवेंज के लिए नहीं दिया जाता है। अब बात आती है डेथ पेनल्टी जो है, तो डेथ पेनल्टी मतलब आप किसी की जान ले रहे हो, तो बाय लॉ अगर डेथ पेनल्टी है तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इस बात पे सवाल उठता है। इंडिया में डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न है, बट अगेन ये जो पेनल्टी है, डेथ पेनल्टी है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होती है, प्रॉपर सारा वेटिंग होता है इसका, अपील करने का अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट में, इवन मर्सी का अधिकार भी होता है प्रेसिडेंट साहब के पास। सो द पॉइंट इज, ये जो डेथ पेनल्टी है, लाइफ सेंटेंस जो है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे अक्सर डिबेट होता है। लिबियन इम्ब्रोलियो गेट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, द अलार्मिंग राइज ऑफ फूड शेयर्स। फूड शेयर्स ये भी वही कंटिन्यूड टॉपिक है जो हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था, फूड सिक्योरिटी का। फूड सिक्योरिटी, स्टारवेशन जो है, कोविड 19 के कारण सिचुएशन वर्जन हुई। फूड के भी दो कॉम्पोनेंट होते हैं, एक होता है क्वालिटी, मतलब अच्छा खाना मिल रहा है, न्यूट्रिशनल खाना मिल रहा है, और दूसरा होता है क्वांटिटी, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा है। तो इससे रिलेटेड जैसे अपन ने मिड डे मील स्कीम देखा, स्कूल्स बंद हो गए तो मिड डे मील स्कीम बंद हो गई, हंगर इंडेक्स हमने पढ़ लिया, तो दिस इज देयर। रिपीटेटिव है, इसमें कोई एक्स्ट्रा अब नहीं है, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है उसी को रिवाइज करना है, मोर देन सफिशिएंट है। द पॉइंट इज, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमी में स्क्यूड है, सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी सुपर रिच है और किसी के पास बेसिक जो फैसिलिटीज़ है उसको फुलफिल करने का पैसा भी नहीं है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम, इनइक्वालिटी। कंसिडरिंग सेफ पैसेज, रशियन एनवॉय ने यहाँ पे कहा, मॉस्को इन्वेस्टिगेट करेगा, वहाँ के एम्बेसडर ने ये बताया। देन दिस इज असेंबली पोल रिलेटेड न्यूज़ है, नेक्स्ट वेव कांट बी प्रिडिक्टेड, लेट अस होप ये नहीं आए तो अच्छा है, IIT कानपुर प्रोफेसर ने बताया, सूत्रा मॉडल नेक्स्ट वेव। Then PMLA accused and India is a natural leader of Quad. आज सुबह हमने पढ़ा Quad और इंडो पैसिफिक दोनों इंपॉर्टेंट buzzword है, इससे सवाल आएंगे। अभी मिलन एक्सरसाइज हुआ था, फ्लीट रिव्यू, प्रेसिडेंट साहब गए थे वाइजाग में, तो मिलन एक्सरसाइज में भी डिफरेंट नेवीज ने भी पार्टिसिपेट किया। तो ये जो इंडियन ओशन है ना, ये हमारा बैकयार्ड है, इंडियन ओशन में कोई नंबर वन पावर है तो वो इंडिया है, तो हम यहाँ का नेचुरल लीडर है Quad इन द इंडो पैसिफिक। अब ये आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ बताया है 5G ऑक्शन। सी, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज पूछते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत पुराना नहीं आता है यूजुअली, जो अभी न्यूज़ में चल रहा है ना वो टॉपिक आएंगे, बजवर्ड जो है टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख रहे हो तो इधर केवल पॉलिटी देखो, ज्योग्राफी देखो, इकोनॉमिक्स देखो, हिस्ट्री देखो, जो स्टैटिक पार्ट है। करंट अफेयर्स आप इग्नोर कर दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में करंट अफेयर्स नहीं देखना है, और इस टाइप की टेक्नोलॉजी वगैरह भी चेंज हो जाती है। तो आज से 5 साल पहले 3G 4G पे सवाल आ रहे थे, अब नहीं आएगा, अब 5G पे आएगा, लाइक दैट। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज बताया कि जैसे देखो, अभी एक और लेसन क्या सीखा यूक्रेन क्राइसिस से, सेल्फ रिलायंट बनना बहुत ज़रूरी है। गूगल ने बंद कर दी सर्विस रशिया में, एप्पल ने बंद कर दी, देन टू द पॉइंट इज, सेल्फ रिलायंट होना ज़रूरी है, स्पेशली डिफेंस वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में तो सेल्फ रिलायंट होना ही चाहिए। अभी जैसे अमेरिका की टेंडेंसी देखो, वो अब बोल रहा है कि सेमीकंडक्टर ज़्यादा बनाएं, मैन्युफैक्चरिंग मेड इन अमेरिका करें, बिकॉज अमेरिका का क्या प्रॉब्लम है कि वो डिपेंडेंट है चाइना पे। तो द पॉइंट इज, अमेरिका वांट्स कि ज़्यादा मेड इन अमेरिका हो। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसी को कंटिन्यू करते कहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, कि हम एम्फेसिस करें सनराइज सेक्टर पे, सनराइज सेक्टर, जैसे कि इस टेक्नोलॉजी से सवाल आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सवाल आएगा, जियोस्पेटियल सिस्टम से होगा, अभी ISRO ने क्या क्या लॉन्च किया इसको देखना है, ड्रोन्स, किसान ड्रोन्स देखा, सेमीकंडक्टर्स देखा, इससे 100% सवाल आना चाहिए सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, जेनोमिक्स इससे सवाल आएगा, फार्माक्यूटिकल, क्लीन टेक्नोलॉजी। ये 5-6 जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं ना, नोटेड डाउन, इनसे एक या दो सवाल 100% आने हैं अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। AI, जियोस्पेटियल सिस्टम, ड्रोन्स, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, जेनोमिक्स, फार्माक्यूटिकल, क्लीन टेक्नोलॉजी एंड 5G। एंड लुक एट अवर स्ट्रैटेजी, हमने 5G पे भी आंसर राइटिंग कर लिया, क्लीन एनर्जी पे भी कर लिया,
जेनोमिक्स में पहले किया था, फार्माक्यूटिकल जब अपना कोविड का डेफिशिएंसी हो रहा था फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड पे किया, ISRO पे कर लिया, सेमीकंडक्टर एंड PLI कर लिया, किसान ड्रोन्स पढ़ लिया, जियो स्पेटियल सिस्टम और AI भी कर लिया। सो दैट इज़ वाई यू जस्ट हैव टू बी रेगुलर। अपना सारा पार्ट ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो जाता है द वे वी आर स्टडिंग प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू एवरीथिंग। तो इन पे अभी हमें स्पेशल हाईलाइट रखना है रिवीजन के टाइम पे इन टेक्नोलॉजी से, यहाँ से सवाल आएंगे। अब जैसे बजट में आपको क्यों बोलता हूँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बजट में पैसा है, पैसा जिस जगह लग रहा है वो जगह आगे बढ़ेगी, जिस स्कीम में ज़्यादा आउटले हुआ है वो स्कीम आगे बढ़ेगी, तो सवाल भी वहीं से आएगा। तो बजट लेड अ क्लियर रोड मैप फॉर 5G स्पेक्ट्रम प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स। अब जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी में क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हो गए, फिर इकोनॉमी इज करंट अफेयर, तो PLI स्कीम पे एक सवाल बन जाएगा लाइक दैट। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ एम्फेसिस है टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, टैक्स सेवी बने। अब एक और वर्ड है एनिमेशन विजुअल्स इफेक्ट्स गेमिंग, AVGC एनिमेशन विजुअल्स इफेक्ट्स एंड गेमिंग। ये भी सनराइज सेक्टर बनाया जा रहा है। सनराइज क्या होता है, सन का उदय हो रहा है, मतलब अभी ये आगे की तरफ बढ़ेगा, पीक पे आएगा। तो नेक्स्ट बिग थिंग दिस AVGC है। ओके तो इन चीज़ों को साइंस एंड टेक में हमें ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं वो नहीं पूछी जाती है इतना। जैसे अभी पूछा जाएगा से टोकामैक पूछ सकते हैं, ओके, जेम्स वेब टेलीस्कोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें SNT में आएगा। फ्यूज़न पे भी हमने आंसर राइटिंग किया है, सो ये चीज़ हमें फॉलो करना है। ओके देन इंडिया नेचुरल लीडर है, यूक्रेनियन कीप्स अप बैटल फॉर दिस, हाईली कंसर्न अबाउट सिविलियंस डेथ चाइना ने कहा, बाइडन स्लैम्स पुतिन, आउटलाइंस फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन इन US। ये है ट्रेड डेफिसिट। अब सी रुपी वीकन होगा तो ट्रेड डेफिसिट भी, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी इम्पैक्ट होगा। ट्रेड डेफिसिट भी 21 बिलियन का है, मतलब हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा कराते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं, हमें एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो एक तो गोल्ड का इम्पोर्ट भी है, गोल्ड मतलब दिस येल्लो मेटल का बहुत इम्पोर्ट होता है, इसमें बहुत पैसा खर्च हो जाता है। एक ऑयल एंड जो गैस है इसके इम्पोर्ट में बहुत पैसा खर्च हो जाता है। सो इम्पोर्ट मतलब होता है आयात, इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट निर्यात। तो इसीलिए हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ भी और ओवरऑल भी ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। ओके स्टडी शोइंग बैंक्स फ्रेट इज सेंक्शन स्टॉल रशिया ट्रेड सेटलमेंट इकोनॉमी। फरवरी का मैन्युफैक्चरिंग PMI आया, दिस इज PMI परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। कंपनीज ये देखती है, स्टोर्स ये देखते हैं किस जगह एक्सपेंशन करना है, तो PMI बताता है अगर 50 से ज़्यादा है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है सर्विसेज का और मैन्युफैक्चरिंग का। PMI लेस देन 50 है मतलब एक्सपेंशन नहीं कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो PMI नंबर आया 54.9, जो 54 था जनवरी, तो स्लाइड थोड़ा सा बढ़ा है, 54.9 हुआ है, तो मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। एक्चुअली जो कंपनीज होती है, इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये एक रिकॉर्ड रखती है। अगर इनको लग रहा है कि इकोनॉमी अच्छा जा रहा है, डिमांड आ रहा है, तो ये एक्सपैंड करने लग जाएंगे, ज़्यादा रिसोर्सेज रॉ मटेरियल वगैरह खरीदेंगे, तो PMI बढ़ जाएगा। तो दिस इज़ परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये ज़्यादा रिलायबली बताता है इकोनॉमी के स्टेटस को PMI। सेंसेक्स रुपी फॉल हुआ, यूक्रेन वॉर एस्केलेट हो रहा है, ऑयल का स्पाइक हो रहा है, पेमेंट रशिया से डिले होगा। एग्री टेक, अब ये नेक्स्ट बज वर्ड है एग्री टेक, फंडिंग इन 4 ईयर 6,600 करोड़, ई बिल की फैसिलिटी। सेबी डिड नॉट डायल्यूट NSE ऑर्डर, त्यागी जी ने बताया। FMCG कंजम्पशन स्लोज इन अर्बन मार्केट, FMCG का फुल फॉर्म बताइए, दिस FMCG अक्सर हम देखते हैं ना, जैसे हिंदुस्तान लिवर हुआ, ये जो स्टोर्स वगैरह में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ये FMCG कैटेगरी में आता है। तो वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ FMCG? देन कोहली, देन दिस इज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, इंडियंस को वापस लाया गया, क्रिप्टो, ऑयल रिलीज, चेस एंड रिपेरेशन कॉन्टिन्यूज। ये जो न्यूज़ है इन कंटिन्यूएशन है IPCC सी, इस पर अपन ने आंसर राइटिंग भी कर लिया है। ये मैं पूरा पैराग्राफ भी एक बार अभी पूरा आर्टिकल भी PDF बना के शेयर कर दूंगा, अच्छा आर्टिकल है। IPCC से रिलेटेड यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन हो गया। सो दिस इज़ वॉट आई से, अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और रोज पढ़ रहे हैं, सब चीज़ें कवर हो जाती है, आज नहीं तो कल, जैसे इस पर एक्सप्लेनर आ गया। सो द पॉइंट इज़ न्यूज़पेपर रीडिंग ना स्टैंड अलोन नहीं होता, इट इज़ लाइक अ वेव, कॉन्टिन्यूएशन में पढ़ते जाओ, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएगी। अब इसमें बड़े अच्छे से बताया है कि जो IPCC की जो 6th रिपोर्ट है, इसका सेकेंड पार्ट अभी जैसे रिलीज हुआ,
अभी की जो बात है इस रिपोर्ट में वो यही बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से जो हमारी लैंड है वो डूबेगी, सी लेवल राइज होगा तो कोस्टल एरिया में, प्लस ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, एनवायरनमेंट हमारा डिग्रेड हो रहा है, तो फूड का भी चैलेंजेस आ सकता है, ऐसा करके इसने पूरा रिपोर्ट बताया। तो दिस इज WG2 वर्किंग ग्रुप 2 की रिपोर्ट है, इम्पैक्ट्स एडेप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, इसको कैसे अडेप्ट करें और कौन सा एरिया वल्नरेबिलिटी है, किस लेवल की वल्नरेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये रिपोर्ट है, इस पूरे आर्टिकल को भी एक बार आप गो थ्रू करना, मैं इसका PDF शेयर करूँगा। बाकी इस पे जो आपने आंसर राइटिंग किया है कॉमन पॉइंट्स ही हैं कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज को स्टॉप करना है, मिटिगेट करना है, तो जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 5 बातें कही थी ग्लासगो समिट में, एग्रीकल्चर को हम रोबस्ट बनाएं, क्लाइमेट रिजिलिएंट बनाएं, तो द आइडिया इज क्लाइमेट रिजिलिएंट बनना चाहिए हमें प्रैक्टिसेस। ये साइंटिफिक असेसमेंट है, इतने लोगों का जो लाइफ है वो वल्नरेबल होगा, इंडिया में वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होगी बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है, तो इतना रिस्क है, 1.5 डिग्री बढ़ेगा तो डिवास्टेशन होगा। क्लाइमेट रिजिलिएंट डेवलपमेंट इज द नीड ऑफ द आवर, नोट डाउन द कीवर्ड क्लाइमेट रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये बात है रशियन इन्वेजन जो है इससे ग्लोबल चिप शॉर्टेज क्यों होगा, तो सी जैसे चिप मेकिंग होती है, सेमीकंडक्टर्स होता है, पहले ताइवान क्राइसिस हमने देखा, कोविड के कारण लॉकडाउन हुआ तो चैलेंजेस आए, यूक्रेन में जो क्राइसिस हो रहा है तो यहाँ से रॉ मटेरियल की सप्लाई में चैलेंजेस आएंगे चिप मेकिंग के, क्योंकि यूक्रेन सप्लाई करता है सेमीकंडक्टर्स के लिए रेयर गैसेस और रशिया एक्सपोर्ट करता है पैलेडियम, ये दोनों चीज़ें, ये गैसेस फैब्रिकेशन में और पैलेडियम मैन्युफैक्चरिंग में सेमीकंडक्टर रिक्वायर्ड होती है, ये चीज़ मिलेगी नहीं तो चिप शॉर्टेज हो जाएगा। और चिप्स भी बहुत वैरायटी होता है, नॉट ओनली कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक रेगुलर गैजेट्स, कार्स में, टॉयज़ में, हर जगह ये चिप्स लगे होते हैं, तो वहाँ पर ये इनका सीवियर शॉर्टेज होगा। तो अगर यूक्रेन में ये क्राइसिस बढ़ेगा, तो अगेन दिस इज़ हाइपोथेटिकल फॉर नाउ, लेट अस सी, सिचुएशन और वर्जन नहीं होनी चाहिए चिप शॉर्टेज की। अब ये जो बात है वो है डॉक्टर्स फॉर रूरल इंडिया। सी हमारे यहाँ जैसे अभी यूक्रेन क्राइसिस हुआ है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आ तो गए इंडिया में, बट अब इनका मेडिकल कैरियर का क्या होगा, इससे रिलेटेड आप देखना मेडिकल एडमिशन, जो हमारा डॉक्टर्स एंड मेडिकल की पढ़ाई होती है, इसमें अभी बहुत रिफॉर्म्स आने वाले हैं, आने वाले टाइम पे चेंजेस आने वाले हैं। एक और प्रॉब्लम जो थी COVID-19 में, वो हमने ये देखा कि डॉक्टर्स का सीवियर शॉर्टेज होता है रूरल एरिया में, तो क्यों ना हम लाइसेंशिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स लेके लाए, मतलब जो रूरल एरिया में हैं उनको पर्टिकुलर एक ट्रेनिंग देकर हम उनसे वर्क करवा सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज दें पीपल को, और ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज से जो वो बेसिक हेल्थ केयर जैसी चीज़ें हैं रूरल एरिया में या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर में, उसके लिए हमारा स्टाफ बढ़ जाए। रेगुलर डॉक्टर होगा फॉर एडवांस थिंग, बट फॉर बेसिक थिंग शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए, इंडियन हेल्थ केयर सिनेरियो के लिए हम स्टाफ बढ़ा सकते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर का नंबर बढ़ा सकते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियन के लिए, जिनको शॉर्ट टर्म कोर्सेज में ट्रेन करो, और इनको बोलते हैं लाइसेंशिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर, लाइसेंशिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो ये क्वालिटी सर्विसेज दे पाएंगे रूरल एरिया में। तो ये चीज़ 1946 में भी जब हमने आज़ादी का टाइम था तब हमने सोचा था, भोर कमेटी ने बोला कि ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि इंडिया सफिशिएंट MBBS बना लेगा, बट हम सफिशिएंट MBBS डॉक्टर्स बना नहीं पाए। तो अब बात आ रही है कि क्या वापस लाइसेंशिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हम लेके आए, बट अब इसमें ये भी बात है कि जो मेडिकल जैसी चीज़ है इधर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू आर डीलिंग विद लाइफ एंड डेथ। सो द पॉइंट इज, ऐसा नहीं हो कि हम जो डॉक्टर्स हैं उसका स्टैंडर्ड ही डायल्यूट हो जाए दिस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एट्सेट्रा का। तो इस पे डिबेट चालू हो गई है अभी, आने वाले टाइम पे देखना, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आए हैं फ्रॉम अब्रॉड, अब यूक्रेन पता नहीं कब वापस जाएंगे, तो कुछ ना कुछ अभी इसमें बड़ा रिफॉर्म आने वाला है मेडिकल एंड ऑल, तो लेट अस सी। दिस इज रूट्स ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, रेगुलर टॉक है यूक्रेन इन्वेजन, एक्चुअली नैरेटिव अलग होते हैं, रशिया का नैरेटिव है कि पुराना रशिया था सोवियत वाला, यूक्रेन का नैरेटिव है कि अब हम अलग रहना चाहते हैं, हम यूरोप के साथ जाना चाहते हैं, यही चीज़ अब यहाँ पे फ्रिक्शन का पॉइंट बना हुआ है। तो ये चीज़ है, आज March 3 है, तो आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी है, तो ये क्विज है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्विज। सो दिस इज टूडेज न्यूज़पेपर, आज के ये दो सवाल हमें करने हैं, एक तो चीफ मिनिस्टर का टॉपिक पढ़ के प्रिपेयर अ नोट, और बुद्धिज्म आज अच्छे से प्रिपेयर करिए और उसको करंट अफेयर से लिंक करके भी ट्राई टू राइट एन आंसर। ओके,
So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.